नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि फिन निफ्टी का आज मंडे के दिन इंट्राडे में मूवमेंट कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों अपन है फिन निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज के दिन एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मोमेंटम मॉर्निंग के सेशन में देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ एक अपन को ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिली थी, जो कि डाउन साइड से हमें ये वाली ट्रेंड लाइन देखने को मिली थी, और अप साइड से एक अपन को ये वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही थी। और जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है 1:10 वाली कैंडल से, वहां से एक अपन को बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि था अराउंड 83 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये ट्रेंड लाइन मार्क किए होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम ये अपसाइड में देखने को मिला होगा। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम में, या फिर बोल सकते हैं एक साइडवेज मोमेंटम में वॉलिटी भरे में क्लोजिंग देखने को मिली है फिर निफ्टी की आज के दिन सेकेंड हाफ में, जो कि लेवल है 23,704 का लेवल। तो फिर निफ्टी का मंडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है फिन निफ्टी। तो दोस्तों अपन आ गए फिन निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज की जो हमें कैंडल देखने को मिली है वो एक अपन को इनसाइड कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस की बात करें सबसे पहले तो वो है ये वाला लेवल, जो कि है 23,819 का लेवल, जो कि एक हमें रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम ऑल टाइम हाई लेवल तक के देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी में, जो कि है 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल। बियरिश मोमेंटम या फिर बोल सकते हैं पैनिक सेलिंग वाला मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगा जब ये लेवल के नीचे हमें जाते हुए देखने को मिले और डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिले, जो कि है 23,361 का लेवल। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। और जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में मोमेंटम करें, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि अपन को पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है। तो ये था फिर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ देखेंगे कल ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों अपन आ गए फिन निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड की मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि है 23,775 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करते हैं तो एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 23,819 का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ऊपर को एक अपन को गैप भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक अपन को गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फिर सीधा टारगेट रहेगा 23,870 का लेवल। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 23,925 का लेवल। और अपना फाइनल टारगेट रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 23,775 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है फिर निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बियरिश मूव अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे, जो कि है अराउंड 23,555 का लेवल। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो एक अपन को बहुत अच्छी मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 23,440 तक के देखने को मिल सकते हैं। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 23,388 का लेवल। और अगर इसके नीचे भी जाके सस्टेन करता है तो सीधे फिर जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 23,318 का लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 23,555 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है फिन निफ्टी तो। अगर फिन निफ्टी इस रेंज में मूवमेंट करे, जो कि है ये वाला रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ऐसे वॉलेटाइल मोमेंटम अपन को साइडवेज मोमेंटम होने के कारण प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 23,775 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 23,555 का लेवल ब्रेक डाउन करे तो एक हमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे फिर निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से अगर अपन ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें तो अगर इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करेंगे तो एक अपन को अच्छी ट्रेंड लाइन डाउन साइड से देखने को मिल रही है। और अप साइड से भी अगर अपन एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करें तो एक अपन को ऊपर की तरफ से भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी इन ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे फिर निफ्टी, उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई अपन को अच्छी रेंज बनती हुई देखने मिले और उस रेंज में एक हमें अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिले और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस से समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, टेलग्राम्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।